गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीमाज किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम कच्ची कैरी के साथ में एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाएंगे। आप इस रेसिपी को परांठे या फिर चपाती या फिर पूड़ी के साथ कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को आज हम कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे और इसके इस एरिए को चाकू की हेल्प से हटा देंगे और इस तरह से इसके सारे छिलके को हम रिमूव कर लेंगे। इसी तरह से हम हमारे सारे कैरियों के छिलके को रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह से हम हमारे सारे छिलकों को इसके ऊपर से रिमूव कर देंगे। कैरी थोड़ी कैड़ी होनी चाहिए इस तरह से। हमने तीनों कैरियों के छिलके को अच्छे से रिमूव कर लिया है। जब इन कैरियों के छिलके को अच्छे से हम रिमूव कर लें फ्रेंड्स, इन कैरियों को हम कच्चा आम भी बोलते हैं, तो इस तरह से आप इसके छोटे छोटे से पीस करेंगे। इसी तरह से मैं हमारी सारी कैरियों के छोटे छोटे पीसेज कर लूँगी। तीनों कैरियों के हमने अच्छे से छोटे छोटे पीसेज कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप पीस अपने मनपसंद से भी कर सकते हैं, छोटे या फिर बड़े। तो इनको छोटे 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 पीसेज में कट करने के बाद में एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर ये मस्टर्ड ऑयल है 2 चम्मच, इसको अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ये हींग है, हम ये डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर ये 1/2 चम्मच मेथी दाना है, ये डाल देंगे। और इसके अंदर हम ये 1/2 चम्मच जीरा है, ये डालेंगे। इन सबको अच्छे से चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाए तो हमारी ये कैरी है, हम ये डाल देंगे। गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे, इनको चलाएंगे। अब हम इसके अंदर हमारे मसाले ऐड करेंगे। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये डालेंगे। और इसके अंदर हम ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये डालेंगे। और इसके अंदर हम ये सौंफ है 1 चम्मच, ये थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, इसी से टेस्ट अच्छा बनता है, ये डाल देंगे। और ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, ये डालेंगे। और इसके अंदर हम ये 1 चम्मच वाइट नमक है, ये डालेंगे। इन सबको डालने के बाद में इसको अच्छे से चलाएंगे। इन सबको चलाने के बाद में इसको हम 5 मिनट के लिए गैस के फ्लेम को एकदम से लो करके इसको हम पकने देंगे। इसको हम बीच बीच में ढक्कन हटाकर 1 से 2 मिनट के अंतर में इसको चलाते रहेंगे। जब इसको पकते हुए 5 मिनट हो जाएं तो हम ढक्कन हटाएंगे और इसको चलाएंगे। इसको हम दबाकर देख लेंगे, 5 पक गई हैं। अब हम इसके अंदर ये 1/2 कप से भी कम जरा सा पानी है, ये डालेंगे और इसको फिर से पकाएंगे जब तक कि हमारी ये कैरी की फांक अच्छे से पक ना जाए। पानी डालने के बाद में इसको पकते हुए जब सिर्फ 1 से 2 मिनट हो जाएं तो इसको हम फिर से चलाएंगे और इस तरह से इस कलछी के अंदर कैरी की एक फांक लेकर और एक दूसरी स्पून से इसको दबाएंगे। देखेंगे कि आराम से दब रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से दब पा रही है। मैं आपको एक फांक और लेकर दबाकर दिखाती हूँ। जब ये फांक अच्छे से दबने लगे तो मेरे पास ये गुड़ है, इसको हमने अच्छे से पहले छोटे छोटे पीसेज में टुकड़ों में कट कर लिया है, हम ये डाल देंगे। मीठा फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप ज़्यादा मीठा डालें और कम खाना है तो आप कम डालें। मैंने इसके अंदर 1/2 गुड़ डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर ये 1/2 कटोरी चीनी है, ये डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये कैरी की लौंजी है और ये खाने में थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। इसको हम चलाएंगे चीनी डालने के बाद में और गैस के फ्लेम को एकदम से लो ही रखेंगे।
अब हम इसको ढक देंगे। अच्छे से चलाने के बाद में इसको कवर करके रख देंगे। इसको अब हम 1 से 2 मिनट के बाद देखेंगे। जब इसको पकते हुए 1-2 मिनट हो जाए तो हम गैस का इस पे से ढक्कन हटाएंगे और इसको चलाएंगे। अब हम इसके अंदर ये 1/4 छोटी चम्मच से कम काला नमक है, हम ये ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम 1/4 छोटी चम्मच से ही कम काली मिर्च है, ये ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसके अंदर एक गरम मसाला है, हम ये ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी कैरी की लौंजी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे जब भी आपका कुछ चटपटा और मीठा खाने का मन हो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे पूड़ी पराठे या फिर चपाती के साथ जैसे भी आपको मन हो इसे खा सकते हैं। मैं आपको इसे बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ, ये कितनी देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आम की लौंजी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे आराम से 15 से 20 दिन के लिए बनाकर रख दें और इसको आप तब भी आपका खाने का मन हो इसे आप तभी बनाकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो हम एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।